चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रियंका, सुप्रिया, डिंपल, माया और ममता, क्या इंडिया अलायंस का महिला मैजिक चलेगा? नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आज स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी पॉलिटिक्स की लेडी ब्रिगेड की, जो नरेंद्र मोदी को हैट्रिक से रोकने के लिए दिन रात स्ट्रेटेजी बनाने में जुटी हुई। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया का। बीजेपी का मुकाबला कर सकती है, ऐसे में जरूरत थी मास्टर स्ट्रोक की। एजेंसी ने अपनी तरफ से कुछ एक्सपेरिमेंट्स बताए, कई सुझाव दिए, इनमें से एक सलाह सोनिया गांधी को बड़ी पसंद आई। इसके बाद एक बड़ी खबर आई, ब्रिटेन में नौकरी छोड़कर राहुल गांधी भारत आ गए। मार्च 2004 में राहुल ने पॉलिटिक्स में एंट्री कंफर्म की और अपने पिता और मां की सीट अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद तो चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अपनी मां सोनिया गांधी के क्षेत्र रायबरेली में प्रचार की कमान खुद संभाली। आप यकीन नहीं करेंगे, उस वक्त रायबरेली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए प्रचार करना जोखिम से कम नहीं था। सोनिया गांधी पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ रही थी, टक्कर थी अशोक सिंह से। अशोक सिंह रायबरेली के बाहुबली व पूर्व कांग्रेसी अखिलेश सिंह के भाई थे। रायबरेली भले ही गांधी परिवार का गढ़ था, लेकिन हनक वहाँ अखिलेश सिंह की ही थी। ऐसा कहा जाता है कि रायबरेली में अखिलेश सिंह के डर से कांग्रेसी कार्यकर्ता ना तो पोस्टर लगाते थे और ना ही रात्रि में प्रचार करते थे। प्रियंका गांधी को जब अखिलेश सिंह फैक्टर का पता चला तो उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली और खुद रायबरेली में डेरा जमा दिया। उस वक्त प्रियंका की उम्र 32 साल थी। प्रियंका की स्ट्रेटजी के आगे बाहुबल परास्त हुआ, सोनिया ने रायबरेली जीता और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 2004 के चुनाव नतीजों का जब ऐलान हो रहा था, उस वक्त प्रियंका गांधी अमेठी में थी। दोपहर बाद जब नतीजे स्पष्ट हो गए और बीजेपी हार गई, तब प्रियंका ने कहा, मम्मी हैज डन इट। ये अनसुनी चुनाव कथा किताब 24 अकबर रोड पर आधारित है, जिसे जाने माने चुनाव विश्लेषक और गांधी परिवार को करीब से जानने वाले रशीद किदवई ने लिखा है। 2004 में कांग्रेस को मिली सफलता के पीछे राहुल और प्रियंका फैक्टर को बड़ी वजह माना गया। राहुल के चेहरे और प्रियंका की स्ट्रेटजी से कांग्रेस को बूस्टर मिला। 20 साल बाद प्रियंका के सहारे कांग्रेस एक और बूस्टर की तलाश में है। बस फर्क ये है कि इस बार स्ट्रेटजी प्रियंका या किसी एजेंसी की नहीं, बल्कि देश की इकलौती लेडी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की है। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ। प्रियंका गांधी की जगह कांग्रेस ने अविनाश पांडे को यूपी का प्रभारी बनाया गया। ये बदलाव क्यों हुआ? कहीं प्रियंका गांधी मिशन मोदी पर तो नहीं है? क्या प्रियंका वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी और क्या ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का चेहरा बनना चाहती है? इन सवालों का जवाब तलाशती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मैं नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा में स्थान को भरने के लिए अब अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो विपक्ष में मोदी का विरोधी नंबर एक होने की होड़ मच गई। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशियों के अलावा आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी मोदी के सामने चुनाव में कूद पड़े। 56% वोट बटोर कर नरेंद्र मोदी ने विकल्पों की सारी बहस खत्म कर दी। 2019 में एसपी और बीएसपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन मोदी की आंधी सुनामी बन चुकी थी। मोदी को करीब 64% वोट मिले। अब नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर इंडिया गठबंधन खुद को पेश कर रहा है। नेतृत्व
और सीट शेयरिंग पर सस्पेंस कायम है, लेकिन ममता बनर्जी ने वाराणसी से मोदी के खिलाफ गठबंधन की तरफ से दो उम्मीदवारों के नाम सुझाए हैं। एक है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो दूसरा नाम है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का। नीतीश कुमार कुर्मी वर्ग से आते हैं। वाराणसी में 2 लाख से ज्यादा की कुर्मी आबादी है, इसलिए नीतीश कुमार पर दांव तो समझ में आता है। लेकिन ममता बनर्जी ने प्रियंका गांधी का नाम क्यों सुझाया, इसके पीछे क्या वजह है, आइए जरा राजनीति को करीब से देखने वालों से समझते हैं। मुझे तो लगता है कि जैसे ममता बनर्जी गांधी परिवार से 2021 का बदला लेना चाहती हैं, और डेरेक ओब्रायन से उन्होंने पिछली मीटिंग में 19 तारीख की मीटिंग में ये कहलवाया भी कि 2021 में आप CPM को साथ लेकर आए, हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने आए और मटिया मेट हो गए, लेकिन हमारा दिल बड़ा है, हम वो भूलने को तैयार हैं, आगे बढ़ने को तैयार हैं, गठबंधन के लिए तैयार हैं। तो प्रियंका वाड्रा का नाम लेना, इसके अलावा सोनिया गांधी की मौजूदगी में, सोनिया गांधी से कंसल्ट किए बिना, उनकी राय लिए बिना ये घोषणा करना ममता बनर्जी की नाराजगी का इजहार है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के प्रति। यहाँ एक मोटी बात समझनी जरूरी है, वो ये कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के दौर में प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी ने, ममता बनर्जी ने खुद PM पद के लिए अपना नाम तो आगे नहीं किया, लेकिन उनका एक ताजा बयान बहुत कुछ कहता है। ममता ने कहा कि बंगाल में केवल तृणमूल कांग्रेस ही BJP को हरा सकती है, बाकी कोई पार्टी नहीं। ये बयान बहुत कुछ कहता है। सवाल है कि 2024 के चुनाव में ममता फैक्टर कितना बड़ा है। ये बंगाल की जनता अपना निर्णय दे चुकी है कि आपको TMC सहित न बनना छोड़कर जाना पड़ेगा। दो मई 2021 पश्चिम बंगाल, जीत कर भी हार जाना और हार कर भी जीत जाना क्या होता है, ये सियासत ने उस रोज दिखाया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, BJP के पावरफुल प्रचार और बदलाव के जबरदस्त शोर के बीच ममता बनर्जी की TMC को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई। TMC ने इस जीत को मोदी वर्सेस ममता के तौर पर प्रचारित किया, क्योंकि 2019 के प्रचंड विजय के 2 साल के भीतर ही ये चुनाव हुआ। ममता बनर्जी खुद शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गईं, लेकिन TMC और कुछ विपक्ष दलों ने ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि 2024 में मोदी को कोई रोक सकता है तो वो है ममता बनर्जी। महिला होना, अनुभवी होना, संघर्ष से शिखर का सफर और नरेंद्र मोदी का राजनीतिक विरोधी होना, ये वो फैक्टर है जो ममता बनर्जी को एक विकल्प के तौर पर पेश करते हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी के चेहरे पर सहमति बन सकती है? ममता बनर्जी फाइटर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो जो कुछ आज हैं वो अपनी मेहनत से सेल्फ मेड हैं। क्या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया जा सकता है, तो इसमें मुझे बड़ी शंका है। देखिए, लीडर किसी भी अलायंस का ऐसा होना चाहिए जो सबको साथ लेकर चलने वाला हो। ममता बनर्जी एकला चलो की नीति पर ज़्यादा चलने में यकीन करती हैं। उनका जो है सबको साथ लेकर चलना बड़ा मुश्किल है, वो सबसे बड़ी मुश्किल उनका स्वभाव है। ममता बनर्जी ने खुद अपनी दावेदारी पेश नहीं की है, उन्होंने कांग्रेस चीफ खड़गे का नाम सुझाया, लेकिन बंगाल के अंदर TMC अलग ही पैटर्न फॉलो कर रही है। सूत्रों के मुताबिक TMC की सोशल मीडिया विंग ममता को 2024 में मोदी के मुकाबले PM कैंडिडेट के तौर पर पेश करने में जुटी है। रील्स हो, मीम्स हो या फिर लोकल न्यूज डिबेट्स, TMC की डिजिटल टीम एक नेशनल पार्टी के तर्ज पर ममता की ब्रांडिंग करने में जुट चुकी है। और कुछ ऐसे ही संकेत TMC के नेता भी दे रहे हैं। ममता बनर्जी खुद किसी और का नाम सुझा रही हैं और TMC के नेता कह रहे हैं कि विकल्प हो तो ममता बनर्जी जैसा। अब सवाल है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो ममता बनर्जी की PM दावेदारी के खिलाफ जाते हैं। सबसे बड़ा अंतर है TMC का एक ही सूबे में प्रभावशाली होना। अप्रैल महीने में तो चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस से नेशनल पार्टी का दर्जा भी वापस ले लिया था। इंडिया अलायंस में TMC के साथ एक दिक्कत और है। ममता बनर्जी
राहुल गांधी को बीजेपी के लिए फायदेमंद बताकर कांग्रेस को असहज कर चुकी हैं। कांग्रेस को पीएम पद के लिए ममता के चेहरे से परहेज है, तो ममता भी नहीं चाहती कि राहुल गांधी इंडिया अलायंस का फेस बने। एक बार फिर लौटिए पॉलिटिक्स की लेडी ब्रिगेड नरेंद्र मोदी टारगेट वाली रिपोर्ट पर। इधर पीएम मोदी ने अयोध्या को विराट सौगात दी और 24 का एजेंडा सेट कर दिया। उधर विपक्ष अभी भी चेहरा कौन होगा इसी सवाल में फंसा पड़ा है। बीजेपी मोदी की गारंटी की थीम पर चुनाव में विपक्ष को ललकार रही है। सवाल है कि यूपी में माया और डिंपल फैक्टर और महाराष्ट्र में सुप्रिया सुले फैक्टर बीजेपी के लिए कितनी बड़ी टेंशन होगा। 10 दिसंबर 2015 विज्ञान भवन नई दिल्ली। उस दिन शरद पवार का 75वां जन्मदिन था और उनकी अपवार के लिए एक बड़ी बात कही। 2019 में ही विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में हुए थे, उस वक्त विधानसभा चुनाव में एनडीए और एमडीए का वोट परसेंटेज क्या रहा था वो आंकड़ा भी आपके सामने है। और ऐसे में अब ओपिनियन पोल का यह आंकड़ा जिसमें नजर आ रहा है कि एनडीए को 2019 लोकसभा चुनाव और 2019 विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 24 लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा और काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। 37% वोट शेयर आकर टिक गया है एनडीए का। महाविकास अघाड़ी को फायदा मिल रहा है 2019 लोकसभा चुनाव में जो 32% वोट शेयर था, 2019 विधानसभा चुनाव में जो 1% बढ़ोतरी के साथ 33% पर पहुंचा। ओपिनियन पोल का आंकड़ा बता रहा है कि वो 24 लोकसभा चुनाव में 41% पर पहुंच सकता है। 5.5 लाख वोट बटोरने में कामयाब रही। इस बीच एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।